तो चलिए फिर अपना डायलॉग शुरू करते हैं। दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, अगर आपका दोस्त आजाद खान, फिर बाद में ना कहना कि आजाद खान तुमने ये कहा नहीं। दोस्त को मौत के मुहाने पर देखा तो आंखों से आंसू छूट गए, जिसके साथ कामयाबी का सफर तय किया, जो सुख दुख में साथ रहा। आज जब उसका साथ छूट रहा है तो आंखों से आंसू झटक रहे हैं, दिल फटा जा रहा है। जितेंद्र का हाल कुछ ऐसा ही हो गया जब उन्होंने एक्टर जूनियर महमूद की ये हालत देखी। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर कॉमेडियन जूनियर महमूद फोर्थ स्टेज कैंसर पर हैं। किसी भी वक्त उन्हें लेकर बुरी खबर आ सकती है। इंडस्ट्री में महमूद की खबर आने के बाद मातम पसरा हुआ है। जिसे भी खबर मिल रही है महमूद के लिए दुआएं कर रहा है। हाल ही में महमूद ने अपने पुराने दोस्त जितेंद्र से मिलने को कहा। जितेंद्र को नहीं पता था कि महमूद इस हाल में है। मिलने की खबर जैसे ही जितेंद्र को पहुंचाई गई वो दौड़े चले आए, और जब उन्होंने महमूद की हालत देखी तो आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। जितेंद्र खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोस्त का हाल देखकर दिल दहल चुका था। जॉनी लीवर लगातार महमूद के साथ बने हुए हैं। इस वक्त वही महमूद का ख्याल रख रहे हैं। एक्ट्रेस लगातार महमूद से मिलने आ रहे हैं। उनकी हालत किसी से देखी नहीं जा रही। 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके जूनियर महमूद ने बचपन में ही फिल्मों में कदम रख दिया था। उन्होंने अमिताभ, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, जितेंद्र जैसे बॉलीवुड महानायकों के बचपन के रोल निभाए। पिछले 56 साल से वो इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। जब वो 10 साल के थे तभी फिल्मों में आ गए थे। खुद महमूद ने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना नाम दिया और उन्हें जूनियर महमूद का खिताब दिया। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सईद है। उन्होंने साल 1966 में फिल्म मोहब्बत जिंदगी से अपने करियर की शुरुआत की। वो परिवार, प्यार ही प्यार, चंदा और बिजली, दो रास्ते, कटी पतंग, घर घर की कहानी, आन मिलो सजना, आज का अर्जुन, आग के शोले सहित 350 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आए। आखिरी बार उन्हें साल 2019 में सब टीवी के सीरियल तेनालीराम में देखा गया था। महमूद के पास कुछ वक्त ही बचा है, हम उनके लिए सबका दोस्त आजाद खान। आज हम लोग एक फंक्शन में रहे जहाँ पर मुझे हमारी मुलाकात हो रही है। मैंने नाम दिया था मनसब अली, यहाँ पहुँच के हो गया हूँ महमूद अली, पर किस्मत की अशी गड़बड़ झाली कि हर काम में सुनने पड़े है गाली, इसलिए मेरा भेजा बिल्कुल है खाली। हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत सुपरस्टार, ये है मेरा ट्रांजिस्टर, इसे पैसे समझ ले तो मेरी जान मंजूर है। इनका नाम हिंदुस्तान प्यार मोहब्बत से तमाम लोग कहते हैं जूनियर महमूद जी। वो कोई बेवकूफ होगा जो टूटी हुई बाल्टी में पानी भरेगा। उनका नाम है मोहम्मद नईम सईद साहब। तो मैं आप सबका दोस्त आजाद खान, आइए दो बात करते हैं सर, दो बात करिए हमारे साथ। दो नहीं चार बात करेंगे जी। हमारे आसपास भी कैमरे लगे हुए, इस वक्त हम आपसे बात भी कर रहे हैं, तो हमको घेरे हुए कैमरे हम लोग की इस वक्त। जी सर। आजाद भाई ऐसा है जी सर कि बहुत आजाद हो गए आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब, मुझे भी घरेलू माहौल लगा है जी सर। और मुझे यूँ नहीं लगा, मैं पहली बार आप सबसे मुखातिब हुआ हूँ जी जी सर। तो इसमें आपका ज्यादा इनपुट है जी सर, जो अपनापन दिया मुझे आप लोगों ने, और जैसा आप चाह रहे हैं, आपकी जो उमंगे हैं, मैं दुआ करूंगा आपकी सारी उमंगे पूरी हो इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। ये हमारी खुशनसीब है जो आज हम इंडस्ट्री में आए, इतने कम टाइम के अंदर ही नाम काम मिला और आप जैसे शख्सियत से मुलाकात हो रही है, बात करने का मौका मिल रहा है, हमारी खुशनसीबी है। तो हमारी मूवीज भी आएंगी, हम काम भी करेंगे साथ, ये हमारी खुशनसीबी रहेंगी और बड़ी खुशी हो रही सर आपसे मिलकर आज। तो चलिए फिर अपना डायलॉग शुरू करते हैं। दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, अगर आपका दोस्त आजाद खान, फिर बाद में ना कहना कि आजाद खान दुश्मन, अगर आपका दोस्त आजाद खान, फिर बाद में ना कहना कि आजाद खान तुमने ये कहा नहीं। जैसी भी है बीवी शोहर के लिए गौर है। हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार नईम सईद साहब और जूनियर महमूद साहब का खिताब मिला है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। मैं तमाम हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर से
आर्टिस्ट से, डीओपी से, डायरेक्टर से, राइटर से, प्रोड्यूसर से और हमारी टॉलीवुड इंडस्ट्री से और बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स से रिक्वेस्ट है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करिए। उनकी सेहत बहुत नासाज है। मैं बहुत काम कर रहा हूँ उनके साथ, तकरीबन वक्त गुजार रहा हूँ। अभी हमारी एक मूवी आने वाली है पिक्चर, जिसका नाम है मजाक मस्ती। मजाक मस्ती में हम तकरीबन वक्त गुजार रहे हैं और पिक्चर का लीड कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, उनके डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। जब भी जूनियर महमूद साहब हैदराबाद आते हैं, मेरे साथ ही अपनी गाड़ी पर ही फिरते रहते, साथ में कुछ किस्से सुनाते बोलते, और इंडस्ट्री के हर वो सुपरस्टार के साथ काम करे हुए हैं हमारे जूनियर महमूद साहब उर्फ नईम सईद साहब। और मेरी खुशनसीब है कि मैं उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उनके हाथ के नीचे, और हम लोग डबिंग एडिटिंग कहीं भी घूमते साथ में, मेरे साथ ही गाड़ी पर ज़्यादा वक्त गुजारते थे और बहुत ज़्यादा बातें बताते थे गुजरे हुए वक्त के। उनके बहुत कुछ सीखने मिला उनसे, बहुत और सुनने मिला, जानकारी हुई हमारे को भी, और बहुत दुख और बहुत तकलीफ़ हो रही है सुनकर के उनकी तबीयत आज बहुत नासाज है। वहाँ से फ़ोटोस आ रहे हैं, मुंबई से वीडियोस आ रहे हैं। तो मेरी अदबन गुजारिश है हमारे तमाम इस वीडियो देखने वाले मेरे दोस्तों से, भाइयों से, यारों से और तमाम बहनों से कि हमारे जूनियर महमूद साहब उर्फ नईम सईद साहब के लिए सेहत के लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला उनको सेहत से नवाजें, पहले से ज़्यादा सेहतमंद रखे, खुश रखे, तमाम तकलीफ़ों से, बीमारियों से अल्लाह ताला उन्हें निजात दिलाए। हमारी दुआ है, आप लोग भी दुआओं में याद रखिए नईम सईद साहब को, जूनियर महमूद साहब को। बहुत तकलीफ़ हो रही है सुनकर के उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके सेहत के लिए दुआ करिए। ये बहुत जानी मानी शख्सियत है, कभी उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं रहा। मैं इतना वक्त गुजार रहा हूँ उनके साथ, कभी किसी बात पर छिड़ते नहीं थे, हर काम को हंसते बोलते और आगे निकालते थे। मैं दादा दादा बोलकर बहुत साथ रहता था उनके यहाँ पर रहे वक्त में। इस वक्त बहुत तबीयत नासाज रहने से हम मिल नहीं सक रहे। मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, टॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी और हैदराबादी मूवीज़ और लंबाड़ी पिक्चर्स में भी काम करा हूँ मैं, और तमाम मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग और जितने भी लोग मेरा इस वीडियो देख रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि जूनियर महमूद साहब की सेहत के लिए प्लीज़ दुआ करिए, क्योंकि तबीयत बहुत नासाज है, देखा नहीं जा रहा। उन लोग इस वक्त बेड पर है, फ़ोटोस आ रहे हैं वहाँ से, मुंबई से वीडियोस आ रहे हैं, और जितने लोग भी काम करें हैदराबादी आर्टिस्ट उनके साथ, उनकी पिक्चर में हमारे साथ में, उन लोग से भी अदबन गुजारिश रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करिए, दुआ के लिए वीडियो बनाइए। आप भी इस तरह अपने दोस्तों में और फैमिली ग्रुपों में डालिए, वो लोग भी उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं जूनियर महमूद साहब के साथ है, जो अभी तक हमको इंटरटेनमेंट करे और हमको कुछ इंडस्ट्री में आए बात सीखने मिला, उनसे काम सीखने मिला, मिलके करने की हमको मौका मिला है। हम खुशनसीबी है हमारी के जो हम उनके साथ ये वक्त गुजारे, हम कुछ बने, कुछ आगे बनेंगे तो भी हम उनका नाम और उनके उनको याद रखेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे हम इंडस्ट्री के ताल्लुक से। और आप लोग भी उनके लिए दुआएं करिए, जज़ाकल्ला खैर। तमाम फिल्म इंडस्ट्री के तमाम एक्टरों से मेरी रिक्वेस्ट है, नईम सईद साहब जूनियर महमूद साहब के लिए दुआओं की गुजारिश मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है दुआ करने के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ करिए मेरे भाई, जज़ाकल्ला खैर। मैं आप सबका दोस्त आज़ाद खान, फिर बाद में ना कहना कि आज़ाद खान तुमने ये कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम।